हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप लोग? और भाई, स्वागत है सबका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पे पूरा वीडियो देखना, स्विफ्ट के बारे में बात होने वाली है। ये इसका सेकंड टॉप मॉडल है, जो ZXi वेरिएंट आपको मिलता है। इसके ऊपर एक ZXi प्लस आ जाता है, बट ये AGS है जो हम सामने देख रहे हो, AMT इनका जो आता है। तो कुछ इसकी 800,000 रुपये एक शोरूम कॉस्ट है और 933,000 रुपये इसकी ऑन रोड प्राइस है। तो एकदम डिटेल में हम ढूंढने वाले हैं कि मतलब इसमें क्या मिल रहा है और क्या नहीं, और इस प्राइस में आपको और क्या बेहतर चीज़ इसमें मिल सकती थी, उसी के बारे में पूरा डिटेल में यहाँ पे समझने वाला है। तो चाबी से अगर मैं शुरुआत करूँ तो लॉक एंड अनलॉक बटन आपको चाबी पे मिलता है, कीलेस एंट्री आपको यहाँ पे मिल जाती है लॉक करने पे, सिंगल बार कुछ टर्न इंडिकेटर एक बार ब्लिंक होंगे और चाइम सुनाई देगा एक ही बार। अनलॉक करने पे सिर्फ दो बार आपको टर्न इंडिकेटर्स ब्लिंक होते हैं और दो बार आपको चाइम सुनाई देगा, और सिर्फ अभी तक ड्राइवर साइड डोर ही ओपन हुआ है। अगर मैं आपको दिखाऊं, यहां से पीछे वाला डोर ओपन नहीं हुआ है, मुझे दो बार अनलॉक करना पड़ेगा पूरी गाड़ी अनलॉक करने के लिए। तो कुछ ऐसा मारुति की गाड़ियों में ये पहले से ही देते आए हैं कि एक बार अनलॉक करोगे सिर्फ ड्राइवर साइड डोर ओपन होता है। सो यहाँ पे अगर आप गाड़ी को फ्रंट से देखते हो, सबसे पहली चीज़ फ्रंट से बात करते हैं। स्विफ्ट डिज़ाइन वाइज बहुत ही प्यारी लगती है, सालों साल लोगों ने इसको पसंद किया है। फ्रंट में हैलोजन हेडलैम्प आपको यहाँ पे दिख जाते हैं, एंड इसमें आपको मिल जाता है टर्न इंडिकेटर्स हैलोजन में। इसके ऊपर वाले में आपको प्रोजेक्टर यूनिट मिलती है हेडलैम्प में, नीचे आपको हैलोजन में आपको फॉग लैंप्स मिल जाएंगे यहाँ पे इसके लोअर साइड में। एंड अगर मैं ग्रिल की बात करूँ तो पूरा ये क्रोम स्लैट आपको दिया जा रहा है, सुजुकी का लोगो है सेंटर में। और ये जो न्यू फेसलिफ्ट आया था बहुत कुछ 7-8 महीने पहले, ये न्यू ग्रिल कुछ यहाँ पे दी गई थी। गाड़ी की 1735 mm इस गाड़ी की चौड़ाई है, अच्छी खासी चौड़ाई है। स्विफ्ट अपने सेगमेंट में अच्छा कंफर्ट भी ऑफर करती है, जब पीछे वाली सीट पे इंसान बैठता है तब वो चीज़ पता चलती है, जो कि हम देखने वाले हैं अंदर चल के भी। यहाँ पे आपको कुछ ऐसे दिए जा रहे हैं व्हील्स, और अगर मैं इसमें अलॉय व्हील्स ही आपको दिए जाते हैं, ये हैं 185/65R 15 इंच के व्हील, जो कि अच्छे लगते हैं देखने में, डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल एंड रिट्रैक्टेबल ORVMs हैं, LED टर्न इंडिकेटर के साथ, उस पर आपको LED में टर्न इंडिकेटर मिल रहा है। देन साइड प्रोफाइल से अगर हम बात करें, यहाँ पे सबसे पहली चीज़ 163 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको ये गाड़ी ऑफर करती है, जो कि टाटा 5 से अगर आप कंपेयर करते हो तो ये ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी कम है, उसमें आता है 187 का, यहाँ पे आ रहा है 163 का। अब जब 5 लोग इस गाड़ी में लोडेड होंगे ना, तो बहुत चांसेस हैं ये गाड़ी नीचे टच हो सकती है स्पीड ब्रेकर्स या कोई बड़ा गड्ढा आ जाए उस पे से, बिकॉज ग्राउंड क्लियरेंस हालांकि कम है, और 5 जब लोग लोड हो जाएंगे तो गाड़ी और दबी दबी महसूस हो सकती है अकॉर्डिंग टू इंडियन रोड कंडीशंस के हिसाब से। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ, डोर हैंडल्स बॉडी कलर में है, पैसिव रिक्वेस्ट सेंसर आपको ड्राइवर साइड पे, बी पिलर गाड़ी का जो है वो मैट ब्लैक में है, ए पिलर भी गाड़ी का मैट ब्लैक में दिया जाता है, और इसका जो रेयर डोर ओपनिंग है वो यहाँ से होता है, अगर आप देख पा रहे हो। मैं वापस अनलॉक करके देता हूँ, यस ये देखिए यहाँ से कुछ इसका रेयर डोर ओपन होता है, ये अगेन रेयर प्रोफाइल टायर अगर आप देख पा रहे हो। एंड अगर मैं पीछे आ जाऊँ तो भाई इसमें आते हैं LED इंसर्ट, यहाँ पे अगर मैं लाइट आपको जला के दिखाऊँ, जस्ट अ सेकेंड, आप ये देखिए चाबी को रख देते हैं अंदर। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको यहाँ से भी दिखा देता हूँ, तो ये कुछ हैलोजन फॉग लैम्प हेडलाइट और हैलोजन में आपको फॉग लैम्प मिल रहे हैं। उसके अलावा पीछे से जैसे ही आप गाड़ी को देखोगे भाई, LED टेल लैम्प्स ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं देखने में, इनका अपीयरेंस काफ़ी अच्छा आता है निकल के। एंड आपके जो टर्न इंडिकेटर्स है और रिवर्स लाइट है वो आपको हैलोजन में मिलेगी, बाकी स्टॉप लाइट जो है वो LED में मिल जाती है। गाड़ी में 4 अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर्स आपको लोअर बम्पर में दिए जा रहे हैं, अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो। नंबर प्लेट लाइट येलो कलर में दी जा रही है, सुजुकी का लोगो सेंटर में आपको मिलेगा, स्विफ्ट की ब्रांडिंग आपको ये साइड पे मिल जाती है कुछ क्रोम में, रेयर वॉशिंग वाइपर, रेयर डिफॉगर्स, हाई माउंट स्टॉप लैंप, और ये रेयर वॉशर स्प्रे के लिए आपको वो चीज़ दी है। गाड़ी में रेगुलर एंटेना ही आपको दिया जाता है, इसमें कोई शार्क फिन एंटेना नहीं दिया जा रहा आपको। उसके अलावा 268 लीटर्स का बूट स्पेस है, अगेन ये टाटा पंच से कम बूट स्पेस है, छोटा बूट स्पेस है। यहाँ अंदर एक लाइट दी है जिसको आप मैन्युअली बंद भी कर सकते हो और चालू कर सकते हो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो। एंड यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ग्रॉसरी हुक दिए हैं दोनों साइड पे, नहीं ये साइड पे नहीं दिया, सिर्फ ये साइड पे ग्रॉसरी हुक दिया है, और ठीक है डिसेंट स्पेस है बट टाटा पंच से थोड़ा कम है। एंड ये स्पेयर व्हील आपका जो स्टील रिम आपको मिल जाता है
ये आपकी टूल किट है जो सब जैक और ये सारी चीज़ें, एंड ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फिट हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि वो सब फैला रहेगा। तो ये कुछ 268 का स्पेस है लीटर्स का, एंड यहाँ पे अगर आप देखते हो तो आपको मिल जाता है इसमें पार्सल ट्रे। देन भाई उसके बाद गाड़ी में जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी आती है वो 37 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको इस गाड़ी में ऑफर करी जा रही है। अब अगर यहाँ पे मैं बताऊँ, इसमें वही 1.2 लीटर ड्यूल जेट इंजन आ रहा है, 4 सिलेंडर, जहाँ पे आपको 89 bhp और 113 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क ये प्रोड्यूस करके देता है। माइलेज की अगर मैं बात करूँ तो 23.7 kmpl ये कंपनी माइलेज क्लेम कर रही है, और डेफिनेटली काफ़ी अच्छा माइलेज ये देगी गाड़ी। माइलेज में तो यार देखो मारुति सुजुकी का कोई ये है नहीं। देन उसके बाद अगर मैं इंटीरियर से बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो इंटीरियर डोर हैंडल क्रोम में है, यहाँ पे ऑटो डाउन एंड आपको ऑटो अप ड्राइवर साइड पे मिल रहा है। बाकी सारी आपकी इलेक्ट्रिक स्विचेस यहाँ पे हैं, लॉक अनलॉक बटन, विंडो लॉक बटन यहाँ पे हो गया, ये यहाँ पे ORPM के कंट्रोल्स हो गए सारे, यहाँ पे कुछ सिल्वर ट्रीटमेंट है, बॉटल स्टोरेज, डोर पॉकेट, स्पीकर सिस्टम, ट्विटर्स। गाड़ी में 4 स्पीकर्स और 2 ट्विटर्स आपको दिए जा रहे हैं, यानी कि 6 स्पीकर सिस्टम का सेटअप आपको मिल रहा है। तो अब जब स्विफ्ट के इंटीरियर को आप देखोगे ना, ये बहुत ही स्पोर्टी फील होते हैं, स्पेशली इसके वो डैशबोर्ड लेआउट की वजह से, और इसके जो डायल्स हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के, वो जो रेड कलर में आपको डायल्स मिल रहे हैं वो भाई बहुत प्यारे लगते हैं। स्विफ्ट इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन एक्सटीरियर से एज वेल एज इंटीरियर से बहुत अच्छी लगती है। अब बात करते हैं यहाँ पर इन सीट्स की, तो इसमें कोई लेदर आता नहीं है, वो कस्टमर ने लेदर लगवाया है, इसमें फैब्रिक अपहोल्स्ट्री आती है। हेडरेस्ट आपको एडजस्टेबल मिलेंगे आगे पीछे दोनों, प्लस अगर मैं बताऊं तो ये हाइट एडजस्टेबल सीट है, यानी कि ये ड्राइवर वाली सीट 8-way मैनुअली एडजस्टेबल है, को ड्राइवर सीट 6-way मैनुअली एडजस्टेबल है, और पीछे वाली जो सीट है वो 2-way मैनुअली एडजस्टेबल आपको मिल जाती है। अब देखो 8-way मैनुअली एडजस्टेबल कैसे मैं बता दूं आपको, बहुत लोगों को ये नहीं पता होता। हेडरेस्ट ऊपर नीचे यानी कि ये दो हो गए, रिक्लाइनिंग एंगल आगे पीछे जो होता है आपका ये हो गए दो, यानी कि ये सब 4 हो गया, स्लाइड कर सकते हो आगे पीछे ये 6 हो गए, और हाइट ऊपर नीचे कर सकते हो तो ये 8 हो गया। तो ये 8-way, 6-way और वो पीछे 2-way, बिकॉज उनमें सिर्फ एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, सीट आप रिक्लाइन नहीं कर सकते उसकी। देन यहाँ पे इंटीरियर से बात करते हैं, तो गाड़ी दिखती अट्रैक्टिव है भाई, बहुत स्पोर्टी लगता है इसका कैबिन, अगर आप देखने जाओ सब कुछ एकदम ऐसा अच्छा लगता है, अपीयरेंस वाइज काफ़ी अच्छी लगती है स्विफ्ट इंटीरियर डिज़ाइन वाइज। यहाँ पे अगर मैं बताऊँ आपको, सबसे पहली चीज़ आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पे मिल जाएगा, उसके अराउंड क्रोम है, आइडल स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी यहाँ मिल जाती है, यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ, हेडलाइट लेवलर आपको यहाँ पे मिल जाता है, स्टेयरिंग व्हील लेदर रैप है जो कि एक बहुत सही चीज़ है, 9,33,000 जो आप ऑन रोड प्राइस दे रहे हो उसके हिसाब से तो भाई बहुत ही बढ़िया चीज़ है। स्टिचिंग बहुत ही प्यारी है, इसकी जो डिटेलिंग है काफ़ी अच्छी है, कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा कुछ भी काम अधूरा है या कुछ है। यहाँ पे सारे इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स हैं, इस तरफ कॉल एक्सेप्ट डिक्लाइन और वॉइस कमांड के कंट्रोल्स हैं, यहाँ पे अगर आप देखते हो आपके सारे वाइपर और रेयर वाइपर के स्विच हैं, इस तरफ लाइट, फॉग लैंप और टर्न इंडिकेटर के कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं। अब स्टेयरिंग व्हील पे बहुत अच्छी चीज़ है कि ये वाला पार्ट जो है, एक तो फ्लैट बॉटम है, यहाँ पे सिल्वर ट्रीटमेंट, थोड़ा मैट फिनिश का काम किया है जो कि अच्छा लगता है, और ये ग्रे है, सिल्वर भी नहीं, सिल्वर तो ये है तो अच्छा लग रहा है। और हॉर्न कुछ ड्यूल टोन हॉर्न है, सिंगल टोन हॉर्न नहीं है, ये देखो दो हॉर्न है कहीं ना कहीं अंदर बॉनेट में, तो वो ड्यूल टोन हॉर्न का इफेक्ट काफ़ी अच्छा आता है। देन उसके बाद अगर मैं बताऊँ, ये स्टेयरिंग व्हील एडजस्टेबल है ओनली फॉर रेक, रीच के लिए ये एडजस्टेबल नहीं है। उसके बाद बात करें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, भाई बहुत ही प्यारा लगता है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, यहाँ पे दो रेड डायल्स आपको मिलेंगे वाइट रीडिंग के साथ, बहुत स्पोर्टी लगता है, प्लस सारी वार्निंग लाइट्स ऊपर मिल जाएंगी, टर्न इंडिकेटर के ये जो स्विच है वो भी आपको ऊपर ही लाइट दिखाएगा। और अगर मैं इसकी लेन चेंज टर्न इंडिकेटर की बात करूँ तो कितनी बार आता है, 3 बार आता है, पंच में ये चीज़ 6 बार आती है। उसके बाद यहाँ पे एनालॉग में टाकोमीटर है, एनालॉग में स्पीडोमीटर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, बीच में एक MID डिस्प्ले आप देख पा रहे होंगे जिसमें टाइम, टेम्परेचर, गियर इंडिकेशन, ऑडोमीटर रीडिंग और नीचे फ्यूल गेज आपको दिखा रहा है। और क्या क्या दिखाता है इसमें, तो यहाँ पे आपको माइलेज, ये सारी चीज़ें एवरेज दिखा देगा,
रेंज आपको दिखाएगा, देन इंस्टेंटेनियस कंजम्पशन और आपकी इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी जिसे आप बोलते हो वो चीज़, देन उसके अलावा ट्रिप ए ट्रिप भी आपको यहाँ पे दिखने वाला है। सो लोडेड है इन टर्म्स ऑफ जो ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, इसमें सब चीज़ें आपको मिलने वाली है। और भाई सबसे अच्छी चीज़ तो ये डायल लगता है, स्पेशली ये जो पूरा रिंग सिल्वर ट्रीटमेंट में ये बाहर आ रहा है ना, इस तरफ से देखने में काफ़ी एक बोल सकते हो स्पोर्टी फील देता है ये, समझ रहे हो। देन उसके बाद साइड वाले एसी वेंट्स बिल्कुल ब्लैक्ड आउट है, इनमें कोई सिल्वर ट्रीटमेंट का काम नहीं किया है, सेम वो वाला, बट सेंटर वाले सर्कुलर है और कुछ सिल्वर उनके ऊपर अराउंड ट्रीटमेंट मिलती है। ये आपका हैजर्ड स्विच, ये आपकी इंजन इमोबिलाइजर सेंसर लाइट आपको यहाँ पे मिल जाती है, जैसी गाड़ी बंद होगी वो ब्लिंक होना शुरू हो जाएगी, बहुत सी गाड़ियों में आपने देखा होगा। देन उसके बाद यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो इसमें कुछ 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल रहा है, एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले ब्लूटूथ एंड यूएसबी कंपैटिबिलिटी ये देता है, प्लस इसमें ऑक्स कंपैटिबिलिटी भी आपको मिल जाएगी। बेसिक सा है जो पहले भी आ रहे थे वैसा कुछ, और अच्छी साउंड क्वालिटी है, मैं इस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कैसे वो स्पीकर्स बजते हैं, यही सेम मॉडल जब लॉन्च हुआ था तब मैंने बनाया था, उस वीडियो की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके चेकआउट कर लो, पूरा एक रिव्यू दिया है कैसे वो स्पीकर्स बज रहे हैं एंड ऑल, जो भी सॉन्ग मैंने बजा के दिखाए हैं। बट ये सब कुछ सपोर्ट करता है, आपको कोई इसमें दिक्कत नहीं आने वाली, कुछ शॉर्टकट्स ऐसे ऊपर से नीचे हैं, थोड़ा सा लैग है, बहुत माइन्यूट सा, बहुत ही माइन्यूट, वो भी आप ज़्यादा ये नहीं करोगे, बट सारा डेटा आपको यहाँ पे मिलने वाला है। उसके बाद भाई ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट आपको यहाँ पे दी जा रही है, जो कि इस वेरिएंट से आपको मिलना शुरू हो जाती है, और काफ़ी इफेक्टिव एसी है इसका, अगर आप देखते हैं बहुत जल्दी कैबिन को कूल कर देता है। और ये डिजिटल डिस्प्ले आपको यहाँ पे मिल रहा है, आप मोड यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, रेडी फॉग आपको मतलब क्या कौन सा फॉग या फेस पे चाहिए पैरों में चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखने वाली हैं, प्लस यहाँ से आप बंद कर सकते हो आपका सर्कुलेशन, और अगर आपको वो चालू रखना है वो सारी चीज़ें। देन उसके बाद भाई यहाँ पे अगर मैं बताऊँ कौन सी कलर की लाइट है, एक ही चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, इन बटन्स की जो लाइट है ना वो ऑरेंज कलर की रखी है, यार वाइट कलर की रखते हैं ना बहुत ही प्रीमियम फील आता है इन बटन्स में से, सही बता रहा हूँ। ये जो बैकलेट है ना, इल्यूमिनेशन लाइट आप बोल सकते हो बटन्स के पीछे, वो ऑरेंज कलर की नहीं देनी चाहिए थी। उसके अलावा नीचे अगर आप देखते हो 12V का सॉकेट है, USB और ऑक्स पोर्ट यहाँ है, कुछ स्पेस मोबाइल रखने के लिए वहाँ है, यहाँ पे 2 कप होल्डर्स हैं जिसमें आप अपनी चाबी भी रख सकते हो। ये है इसका AGS जो कि ट्रांसमिशन, एंड बहुत सिंपल है, रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव एंड आपका फर्स्ट गियर और सेकेंड गियर के लिए जब घाट पर आप स्टीप चढ़ाई चढ़ोगे तब वो यूज़ कर सकते हो आप, एंड सही है यार, नीचे लेदर है ऊपर लेदर है, यहाँ पे ग्लॉस फिनिश है, पियानो फिनिश अच्छी लग रही है, हैंड ब्रेक की टिप क्रोम में है, ऑल्सो पीछे 1 लीटर बॉटल स्टोरेज है। अब पीछे कोई एसी वेंट्स इसमें नहीं दिए हैं यहाँ पर, ठीक है, एंड यहाँ पे आप देखते हो टिकट होल्डर है, रेगुलर येलो लाइट है कैबिन की, ओके, IRVM डे एंड नाइट आपको यहाँ पे दिया जा रहा है, एंड इस तरफ अगर आप देखते हो वैनिटी मिरर आपको मिल जाएगा। सो ये सारी चीज़ें, एंड भाई क्वालिटी वाइज फ्लेक्स है थोड़ा, बट स्टिल एज अ प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है, सेफ्टी में कहीं ना कहीं ये प्रोडक्ट लैक बोल सकते हो आप, लैक करता है, अदर देन दैट इंजन वाइज बहुत अच्छा है, 4 सिलेंडर है, रिफाइंड है, बहुत अच्छे इंजन होते हैं मारुति सुजुकी के, कंफर्ट अच्छा है सीट का। उसके बाद आपको एक हाँ कुछ चीज़ें अगर आप टाटा से कंपेयर करते हो, देखो भाई अब टाटा की गाड़ी आप 120-140 पे ले जाओ, ठीक है, स्टेबिलिटी वहाँ मिलेगी आपको, वो यहाँ पे नहीं मिलेगी, ठीक है, बहुत लाइट वेट कार है ये अगर आप इसको कंपैरिजन में देखते हो। सो वहाँ पे कैसा भारी कार है, स्टेबिलिटी कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल वो सारी चीज़ें वो ज़्यादा बेटर है, बट यहाँ पे सिर्फ आपको इंजन काफ़ी अच्छा मिल रहा है और फीचर्स भी अच्छे मिल रहे हैं इस प्राइस पॉइंट में। ओवरऑल अगर आप इस गाड़ी को देखते हो, यहाँ पे सिल्वर पैनल आपको देख सकते हो, एंड यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ठीक है, छोटा ग्लव बॉक्स है बट इतना भी बड़ा नहीं है, एंड ब्रेकिंग भी अगर मैं बात करूँ मारुति की जो ब्रेकिंग है कहीं ना कहीं कंपैरिजन में अगर आप उसको टाटा या ह्यूंडई से लेते हो, ठीक है, तो ठीक है इसकी ब्रेकिंग इतनी भी कोई ये नहीं है, बट स्टिल मैं जो भी है ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं स्विफ्ट काफ़ी अरसे तक चला चुका हूँ, मुझे पता है इस गाड़ी के बारे में, एंड अब टाटा पंच भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं आपको एक एक्सपीरियंस के बेस पे आपको ये कंपैरिजन दे रहा हूँ, समझ रहे हो आप। बाकी तो ठीक है यार, देखो रीसेल वैल्यू, फिर आपका माइलेज, देन उसके बाद आपका पार्ट्स की अवेलेबिलिटी कहीं भी मिल जाते हैं, सर्विस नेटवर्क इनका
जो इतना लार्ज स्केल पे है, यूं ही नहीं भाई, इंडिया की बोलते हैं ना बेस्ट सेलिंग कार कंपनी ये है मारुति सुजुकी इंडिया में करंटली। तो सबका अलग अलग ये है कि उस ब्रांड पे जाओगे तो वो चीज़ें अच्छी हैं, इस ब्रांड पे जाओगे तो ये चीज़ें अच्छी हैं, समझ रहे हो भाई। ये हो गया पूरा फ्रंट कैबिन। अब मैं ये सीट है ना अपनी हाइट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करता हूँ। मेरी हाइट 5'8" है, तो अब देखते हैं पीछे कितना नी रूम हमें मिलता है। ये मैंने एडजस्ट कर लिया अपने हिसाब से, चलते हैं पीछे। सो भाई यहाँ पे अगर आप देखते हो हार्ड प्लास्टिक, देन यहाँ पे विंडो कंट्रोल, इंटीरियर डोर हैंडल सिल्वर, स्पीकर्स नीचे दिए हैं, ये आपका बॉटल स्टोरेज, पीछे कोई ट्विटर्स आपको नहीं मिलेंगे। एंड ऑल्सो ये जो सीट है, ये पीछे वाली सीट है, एक चीज़ काफ़ी सही है इसमें, 60-40 का स्प्लिट आपको मिलने वाला है जो कि सही है। हेडरेस्ट पीछे दिए हैं। एंड यहाँ पे देखो भाई, कोई कैबिन लाइट यहाँ पे नहीं है, सिर्फ वो लाइट दी है। चलो पंच से अच्छी लाइट दी है, दो लाइटें हैं उसमें भी, पंच में इतनी सी लाइट दी है जो कि पीछे कुछ काम ही नहीं है उसका। तो आप इसको वाइट करा लो अगर आप ये गाड़ी लेते हो। ये देखो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, अच्छे खासे पैर में अंदर डाल सकता हूँ बिकॉज सीट की हाइट ऑलरेडी अच्छी है और इंक्रीज भी हो सकती है। नी रूम आप देखिए, अच्छा नी रूम है एंड लेग रूम भी अच्छा है। सॉरी भाई चप्पल में हूँ बिकॉज शूज़ अपने पैर में चोट लगी है ना, इसलिए शूज़ नहीं पहन सकता मैं, बट स्टिल भाई अच्छा लेग रूम, अच्छा नी रूम, कम्फर्ट अच्छा है। 1735 mm की जो चौड़ाई है वो यहाँ पे काम आ रही है। अब इसका जो हम्प है ना वो ऊपर है, तो बीच में कोई अगर आप एडल्ट पैसेंजर को बिठाओगे ना उसको दिक्कत आएगी इस गाड़ी में। मैं आपको बैठ के दिखा देता हूँ, यहाँ पे तो ठीक है एक एडल्ट पैसेंजर बैठ जाएगा। आप देख लो कितना मैं यहाँ पे कंफर्टेबली बैठा हूँ अभी, ठीक है। अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा और बेटर हो सकता था इस गाड़ी में, पीछे वाली सीट की बात करूँ। अब अगर मैं सेंटर में आपको बैठ के दिखाऊँ तो मेरे को पैर ऐसे अलग अलग रखने पड़ेंगे। अगर मैं इसके ऊपर पैर रखूँ ना तो ये ख़त्म हो गया मेरा सपोर्ट, यहाँ पे अंडर थाई सपोर्ट, प्लस यहाँ पे मैं कंफर्टेबली भी पैर नहीं रख पा रहा बिकॉज जगह ही नहीं है ना, तो आप देख पा रहे हो। और अगर मैं पूरा दिखाऊँ आपको तो तीन हेल्दी एडल्ट्स यहाँ पे नहीं बैठ सकते, बीच में आप एक बच्चा बिठाओ, यहाँ पे एडल्ट, यहाँ पे एडल्ट, तो गुड टू गो, कंफर्टेबली जा सकता है। तो कहीं ना कहीं तीन हेल्दी एडल्ट या तीन एडल्ट के लिए ये पीछे वाली सीट नहीं है, कहीं ना कहीं ये सिर्फ दो एडल्ट और बीच में एक बच्चा या कोई पतला एडल्ट बिठा दो वो ठीक रहेगा। यहाँ पे कोई भी आर्मरेस्ट आपको नहीं मिलता। ऑल्सो यहाँ पे देख सकते हो आप सीट बेल्ट्स, यहाँ पे दिया है रिट्रैक्टेबल हैंडल बार, इस तरफ भी दिया है। कोई कोट हुक मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा बिकॉज यस नहीं दिया है कोट हुक। ये पार्सल ट्रे हो गई। डैशबोर्ड लुक देखो यार, गाड़ी बहुत ही प्रीमियम और बहुत ही अच्छी लगती है देखने में, समझ रहे हो। तो वो स्पेशली इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और ये सारी चीज़ें। तो अब चलते हैं भाई, ये हो गया पूरा इंटीरियर एक्सटीरियर। आप बताओ कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। अब देखो कंक्लूजन की अगर मैं बात करूँ, मैंने वही चीज़ आपको बताई ना, स्विफ्ट एक काफ़ी बेहतरीन प्रोडक्ट है जब तक सेफ्टी को ना देखा जाए। बट जब बात सेफ्टी की आ जाती है ना कहीं यहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ होगा अगर आप ये गाड़ी लोगे, समझ लो मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ। अदर देन दैट, माइलेज, कम्फर्ट, फीचर्स, देन आपका जो मारुति का इतना सब प्लस पॉइंट आ जाता है, रीसेल वैल्यू हो गई, देन उसके बाद बेटर सर्विस नेटवर्क, देन फैला हुआ है लार्ज स्केल में, कहीं भी मिल जाएंगे इनके ये मारुति के पार्ट्स, ये सारी चीज़ें। बट कहीं ना कहीं राइड क्वालिटी, ब्रेकिंग, ये सारी चीज़ें आपको अदर देन दैट टाटा या फिर आप ह्यूंडई में चले जाओ, बेटर इंटीरियर क्वालिटी मटीरियल्स, जो प्लास्टिक चूज़ होता है वो सबसे बेस्ट अगर मैंने इस साइज़ की गाड़ी में देखा है ना, वो ह्यूंडई की नहीं है, उसमें मैंने देखा है, समझ रहे हो आप दोस्तों। सो पूरा आप समझदार हो, खुद समझ सकते हो। सो भाई कैसा लगा वीडियो बताओ कमेंट सेक्शन में, कुछ भी सवाल है आप मुझसे पूछ सकते हो। और एक चीज़, अगर आप मुंबई से हो, मारुति की गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हो जैसे कि नई वाली ब्रेज़ा या जो भी, तो प्लीज़ आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर लो, मेरे चैनल का नाम लो। देखो ये होगा बेनिफिट कि आपको है ना एक अच्छी सर्विस दी जाएगी, गाड़ी पे जो वेटिंग पीरियड आ रहे हैं इनकी CNG कार या नॉन CNG कार्स पे, वो भी आपको कम मिलेगा, समझ रहे हो भाई। सो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कॉन्टैक्ट कर लो, शोरूम की नीचे डिटेल्स दी हैं डिस्क्रिप्शन में। सो बाय गाइस, टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।